लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी के कई बड़े नेता के साथ साथ पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जमकर होली खेली और अबीर और गुलाल उड़ाए। चिराग पासवान ने कहा कि हम सभी गठबंधन धर्म के बड़े लोगों का हम शुभकामना देते हैं और उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से होली हम मना रहे हैं, 4 जून को इसी तरह की होली एक बार फिर मनाएंगे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। राज जी बोले, पहली दफा पटना में होली पर क्या कहेंगे? एक लंबे समय के बाद हम लोग पटना में पूरे परिवार के साथ होली मना रहे हैं। 2-3 साल हम लोग के लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए कठिन साल रहे। आज बहुत समय के बाद और मुझे लगता है पापा के जाने के बाद आज संभवतः पहली बार पार्टी परिवार में एक नई खुशियां आई हैं। जिस तरीके से पार्टी को मजबूती मिली है, जिस तरीके से परिवार में नई खुशियां आई हैं, एक लंबे समय के बाद इतने उत्साह के साथ हम लोग होली मना रहे हैं। बस उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ना सिर्फ मेरे परिवार में बल्कि इस देश के हर परिवार में होली ऐसे ही खुशियों के रंग लेकर आती रहे, हर किसी का जीवन इसी तरीके से खुशियों के रंग से भरा रहे। हैप्पी होली टू यू ऑल। चिरागी, चुनावी नदी के इस होली में आपको एक बड़ा उपहार मिला है। आप लगातार संघर्ष कर रहे थे कि हमें बेहतर किया जाए, प्रधानमंत्री ने एक सौगात दिया है, क्या कहेंगे? 5 सीट आपको मिली, आपके झोली में गई। देखिए, इस जैसा मैंने कहा कि ये मेरी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है और इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता परिवार में इतनी खुशी है, इतना जोश का ये माहौल है। पर हाँ, आज इस होली के मौके पर मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे गठबंधन के तमाम साथी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सबको जहाँ एक तरफ होली की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं एक मजबूत सहयोगी होने के नाते ये विश्वास भी दिलाता हूँ मेरे प्रधानमंत्री को खासतौर पर कि इस होली के रंग जैसे खुशियां लेकर आए हैं, ऐसी ही होली हम लोग पुनः 4 जून को मनाएंगे जब हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बिहार में 40 की 40 सीटें और देश भर में 400 पार सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। मैं सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। बता देंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए इस बार की होली कई मायनों में खास है। न सिर्फ पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, बल्कि चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही चाचा पशुपति पारस को पीछे छोड़ने की खुशी न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रही है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।